Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. जो लोग सुशांत की मौत के लिए जिम्मेवार हैं उनको सर मान के उनकी बात कौन सुना। सुशांत बिहार का बेटा था, देश का बेटा था, अब कितनी मिस्ट्री हुई, किस तरह से उसकी मौत का मामला उलझा हुआ है, क्या क्या उन लोगों ने सुशांत को, हम राजनीति कर सुशांत को न्याय दे दिया क्या? आज मैं लड़ाई नहीं लड़ता तो आज सुशांत का मामला खत्म था। 14 जून से उसकी मौत बताई जाती है, 21 जून तक सुशांत का मामला ही खत्म था। FIR किया, टीम भेजा, तब तो न्यूज बनना शुरू किया। तो मैंने जो किया है ये DGP किया और हमारे हर एक्शन को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सही ठहराया। ये कॉन्फिडेंस है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट कामों में न करते हैं न करने देते हैं, बिहार का सौभाग्य है कि ऐसा मुख्यमंत्री राजनीति ज्वाइन कर लेंगे चुनाव। अपने लोगों से बात, अपने लोगों से बात करूंगा। लोग मैं गरीब का बेटा हूं, किसान का बेटा हूं, मेरे खानदान में कोई IAS IPS कलेक्टर या कोई राजनेता हुआ नहीं। मेरे घर में तो कोई मुखिया भी नहीं हुआ, सरपंच भी नहीं हुआ। मेरी माँ अनपढ़, मेरे बाप अनपढ़, मेरे बाबा अनपढ़, मेरे भैया अनपढ़, मेरे दादा अनपढ़, मेरे परदादी अनपढ़, 4 कोस में कोई स्कूल नहीं गया पहला आदमी। मैं कोई कॉन्वेंट से पढ़ा हुआ नहीं हूँ और मेरा कोई गॉड फादर नहीं कि मेरे घर में कोई बैकग्राउंड है राजनीति का। संघर्ष से यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो हम जो करते हैं अपने लोगों के प्यार किसी, उनके सवाल का जवाब नहीं देना हूँ। जब मैं राजनीति ज्वाइन करूंगा तब मैं उनके सवाल, अगर मुझे जानना चाहती है, जब मैं राजनीति मुझे ज्वाइन करना होगा और पॉलिटिकल आदमी हो जाऊंगा तो उनकी बात का जवाब हो गया। विजय अभी लेकिन शिवसेना तो हमलावर है, कंटिन्यू और सुबह से लगातार वो ये बोल रही है। वो तो दिशा सालियान का जो मौत हुआ, जो तथागत सुसाइड बताते हैं, उन्होंने कहा केस क्लोज कर दो, इसमें कुछ नहीं आत्महत्या हुई। सुशांत की मौत हुई 14 जून को, 21 तक केस क्लोज कर दो। तो शिवसेना तो बौखलाई इसलिए हुई कि मैंने सुशांत के पूरी तरह से जो मर गया था मुद्दा उसको उखाड़ दिया और उनको कठघरे में खड़ा कर दिया, पूरे देश के सामने एक्सपोज कर दिया। तो बखलाए हुए ड्रग्स को लेकर जो बातें सामने आ रही है, बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हो रहे, क्या कहेंगे इसके बारे में? मुंबई में जो ड्रग्स पेडलर की जो पूरा है बात सामने, पूरा मुंबई में आज से ड्रग है, ड्रग जो है, ड्रग का धंधा वो मुंबई के पूरे बॉलीवुड में पसरा हुआ है। बड़े बड़े लोग हैं और मैंने अगर ये केस नहीं किया होता तो रिया न जेल जाती, न उनके भाई जेल जाते, न अन्य जो लोग की गिरफ्तारी हुई है वो जेल जाते, न ये ड्रग का रैकेट कभी भी ये एक्सपोज होता। वो इनोसेंट उनको लोग समझते रहते और इमोशनल ट्वीट भी करती रहती, लेकिन अब ये ड्रग का रैकेट उजागर हो गया है और ये बहुत लंबा इन्वेस्टिगेशन कर जाएगा और बड़ी बड़ी मछलियां इसमें जाएंगी। आ रहा है कि वो राजनीति ज्वाइन करेंगे, आपने अचानक से इस्तीफा दिया और अब राजनीति में आपके जाने की बात उठ रही है। देखिए राजनीति में जाएंगे, जाना कोई पाप भी नहीं है, जाना होगा तो बता देंगे। अभी तक जाने की मैंने बात नहीं करी है, अभी तक मैंने इस तरह की कोई चर्चा, ये भी स्पेकुलेशन। एक महीना से 2 महीना से हमको परेशान किया, कोई बिहार के बाहर से बोलता है कि ये हो जाएंगे, पॉलिटिक ज्वाइन करेंगे तो कोई ये कर जाएंगे, वो कर जाएंगे, तो ये करते करते हमको इतना विवादित बना दिया गया कि आम आदमी उसको परसेप्शन खराब हो जाएगा ना कि चुनाव का समय है और DGP अगर विवाद में हो कि वो खुद राजनीति करना चाहते हैं या राजनीति में जानना चाहते हैं या किसी पार्टी के प्रति उनका सॉफ्ट कॉर्नर है, तो दूसरे जो लोग हैं उनके मन में शंका उत्पन्न हो जाए। तो निष्पक्ष चुनाव, मतलब जो 34 साल बेदाग रहा, निष्पक्ष रहा, तो हम इस चुनाव में अपने ऊपर दाग क्यों लगाने जाए? किसी कहने का मौका मिले किसी को हरा दिया, किसी को जीता दिया, इसलिए मैं चाहता था कि मैं इससे मुक्त हो जाऊं, ताकि निष्पक्ष तो मैं भी कराता लेकिन लोगों को, किसी के मन में किसी को कहने का मौका नहीं लगे कि चुनाव में मैंने किसी को नफा या नुकसान पहुँचाने। गुप्तेश्वर पांडे जी को पॉलिटिकल एजेंडा बनाया जा रहा है, बनाने वाले बनाते हैं। आप बताइए ना, हमने केस किया सुशांत के बारे में,
उसको भी तो कितना पॉलिटिकल एजेंडा उस समय से बना, हाल से बना, केस करके पाप कर दिया क्या, बिहार के बेटे को न्याय देने के लिए पाप कर दिया क्या, FIR किया वो गलत था क्या, सुप्रीम कोर्ट ने कहा गलत नहीं था, इन्वेस्टिगेशन के लिए टीम भेजा वो गलत था क्या, अशोक कुमार ने कहा गलत नहीं था। और ये बताइए कि मैंने CBI के केस को अनुशंसा कर दी कि CBI को भेज दिया जाए, बिहार सरकार ने भेज दिया, वो गलत था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, इलीगल था, मैंने सर्वोच्च न्यायालय नहीं कहा कि इलीगल था, हमने जो किया वो तो इलीगल एक्शन किया, उसमें क्या है। और हम बोले जो वो तो हमारे अफसरों के साथ दुर्भार हुआ, तब हमने मुंबई पीछे गुप्तेश्वर पांडे ने कहा था कि मुंबई में जो ड्रग माफिया है वो रिया जो है वो छोटी मछली है, कई बड़े नाम और सामने आ रहे हैं। ड्रग माफिया का तो बहुत बड़ा रैकेट है मुंबई में, हो जाएगा, NCB इसकी जांच कर रही है, रिया सचमुच एक छोटी मछली है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन छोटी मछली के साथ साथ बड़ी मछलियां भी नेट में आएंगी मुझे विश्वास। गुप्तेश्वर जी एक मिनट, गुप्तेश्वर जी एक कहा जा रहा है कि आप कांग्रेस से बैकग्राउंड से हैं और आपके जाने के धन्यवाद आज की मीटिंग में मुझे फोर्स कर दिया। रोज अगर हमारे बारे में न्यूज चलेगा कि यह पार्टी छोड़ रहे हैं, उस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, VRS ले रहे हैं, कल VRS ले रहे हैं, एक महीना पहले ही चला दिया, कोई की इस्तीफा दे दिए, तो ऐसी स्थिति में चुनाव के माहौल में बताइए जनता में क्या संदेश जाएगा। तो दूसरे लोग जो हमसे नाखुश रहते हैं मेरे पर आरोप लगाएंगे कि निष्पक्ष चुनाव करा ही नहीं जाए, किसी की मदद नहीं करना। जो आदमी इतने दिनों तक बेदाग और निष्पक्ष रह करके नौकरी किया है, अपने सेवा काल के अंतिम समय में ये दाग क्यों लेगा, कोई कहे कि हमको हरा दिए, हमको जिता दिए, तो कोई नया आदमी आए जिस पर ये सवाल ना। सर छात्र जीवन में आप भी जाते थे, छात्र जीवन में आप ये किसने देखा, गैर जवाबदेह सवाल मत पूछिए। सर आप अभी लोगों का कहना है, जैसे DGP उन्होंने बताया कि किस प्रकार से उन्हें एक शिवसेना किसी सवाल किया है और पॉलिटिकल किस पॉलिटिकल पार्टी में जाएंगे उन्होंने अभी तय नहीं किया है। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में यह हम आपसे बात मोबाइल से फोन कर रहा हूँ। अभी हम लोग DGP साहब गुप्तेश्वर पांडे जी के पास हैं। भैया इधर आइए, रिकॉर्ड कर लीजिए ना, अभी भी ना एक रिकॉर्ड कीजिए ना, हमारे पास गुप्तेश्वर पांडे हैं, गुप्तेश्वर जी आपने Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.